गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आपको उर्विभेदन यानी एम्बियो सेंटोसिस के बारे में बताया गया, पात्र निषेचन के बारे में बताया गया और गिफ्ट और हिट के बारे में भी बताया गया। लेकिन आज आपको ये बताते हैं कि गिफ्ट है क्या चीज। देखिए, गिफ्ट जो है देखिए होता यह है कि जो गैमेट्स होता है वो गैमेट्स दाता से यानी जो डोनेट करता है उससे अंडाणु को लेकर के किसी स्त्री के फैलोपियन नलिका में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को कहा जाता है गिफ्ट। तो गिफ्ट का फुल फॉर्म जो होता है गैमेट गैमेट्स का इसी दूसरे फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कराने की प्रक्रिया होती है। और इसी तरह जिफ्ट है, जिफ्ट का मतलब होता है ZIFT। अब इसमें क्या हो जाएगा, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस प्रक्रिया में जो जायगोट होता है, जायगोट मीन्स ओवा स्पर्म दोनों मिलकर के रचना बनी, इसे कहा जाता है जायगोट। इस जायगोट उसमें गैमेट थे, ये गैमेट्स होते हैं। तो इस तरह से गैमेट्स हो गए। तो जायगोट को मतलब जायगोट का अब जायगोट कैसा होगा, जायगोट जो होगा वो एक कोश की रचना होती है, ठीक है, इसमें विभाजन होगा, इस तरह से इसमें भ्रूणी परिवर्तन होता है। तो इस जायगोट में अब ये जायगोट बन जाता है एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो या जायगोट 8 कोश की 16 कोश की 32 कोश की इस एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। एक होता है IUD, IUD। IUD का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। परिवार नियोजन के लिए, ठीक है, या परिवार कल्याण के लिए एक आसान विधि होती है जिसमें
जिसके फलस्वरूप जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में रोपित नहीं हो जाता है, उसे कहा जाता है आयुडी। तो आयुडी के अंतर्गत हम भ्रूण को रोक लेते हैं उसमें। इसी तरह से होता है आयुटी, आयुटी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी का मतलब होता है कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर 8 कोश की या 16 कोश की भ्रूण को गर्भाशय में रोपित या स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है आईयूटी। इसी तरह से अगली शिक्षा है यौन शिक्षा। देखिए किशोरावस्था में किशोरावस्था क्योंकि विद्यालय में जो स्टूडेंट्स होते हैं, छात्र होते हैं, ये किशोरावस्था से गुजरते हैं, इसलिए इनको कक्षा जूनियर से यानी 8 से 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासों में इनको ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि ये तमाम जो परिवर्तन होते हैं उनको समझ सके, गलतियां ना हो, साथ ही साथ तमाम ऐसे रोग होते हैं जिनकी इनको जानकारी हो जाए, किस तरीके से परिवार नियोजित रहता है इसकी जानकारी हो जाए, तमाम गर्भ निरोधक औषधियां होती हैं उनकी जानकारी हो जाए, गर्भ निरोधन कैसे होता है, इसकी जो स्थायी और अस्थायी विधियां हैं इसकी भी जानकारी इनको हो जानी चाहिए। इसलिए यौन शिक्षा आज के समय में अनिवार्य है और आवश्यक है। अगला टॉपिक है कि अगर जनन ग्रंथियों को शरीर से हटा दिया जाए, देखिए जनन ग्रंथियों को हटाने से अंडाणु शुक्राणु तो नहीं बनेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ जनन ग्रंथियों कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए जनन ग्रंथियों को हटाने से नुकसान होता है शरीर में, फायदा नहीं होता है, ठीक है संतान नहीं हो पाएगी लेकिन नुकसान भी होता है, इसलिए जनन ग्रंथियों का शरीर में रहना उचित है। उसके जगह में आप गर्भ निरोधक गोलियां और तमाम जो विधियां हैं आयुर्वेदिक के अंतर्गत या आयुर्वेदिक के अंतर्गत उनका आप उपयोग करके गर्भधारण को रोका जा सकता है, क्योंकि जनन ग्रंथियों को शरीर से हटाना नहीं चाहिए अन्यथा व्यक्ति का समुचित विकास रुक जाता है।